एक्सी तो रहना एक ही किताब टाइप कर रहे हैं, काम करने के लिए पास एक लैपटॉप है, निर्णय लेके आए कि अल्टरनेट काम करेंगे, पहले एक्सीता फिर दूसरे दिन रहना फिर तीसरे दिन एक्सीता, और एक्सीता टाइपिंग में 16 दिन में कर रही है और रहना 24 दिन में, तो दोनों अल्टरनेट करेंगे कितने दिन में कर देंगे। देखो कितना आसान है, इसे हम देख चुके हैं, ये एक्सीता है ये रहना, तो एक्सीता को लगे 16 इसको 24 एलसीएम आ जाएगा 48 एफिशिएंसी, तो दो दिन में अल्टरनेट आएंगे ना 3 और 2, तो दो दिन में इन्होंने 5 काम कर दिए। अब ये बताओ इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 काम हो जाएंगे, इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 डेज, 18 दिन में 45, पहले एक्सिता फिर रहना एक्सिता रहना, इसे 9 पेयर बन चुके हैं इनके, ठीक है ना, फिर 18 दिन हो चुके हैं क्योंकि एक पेयर में 2 दिन है। अब अगले बार कौन आएगा, एक्सिता, तो एक्सिता को 3 काम करने में 1 दिन लगेगा, तो 19 दिन हो गए और टोटल वर्क हो गया 48, ये था टोटल वर्क 48 था, कितने दिन हो जाएंगे 19 डेज।